चिट्टा बटर चिकन, प्यार से वाइट बटर चिकन। दूसरा आइटम मैंने मंगा रखा है इनके यहाँ से, बाल्टी मीट। इसका प्राइस है 550 या 600 के करीब। ये है भाई 980 समथिंग का, मतलब 1000 मान लो। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर मकबैंग। भाई आज के मकबैंग में मैंने मंगा रखा है दिल्ली के काफी ज्यादा फेमस रेस्टोरेंट ढाबा। ढाबा एस्टेब्लिश्ड इन 1986 दिल्ली से खाना। ये काफी ज्यादा फेमस है भाई दिल्ली में। सीपी में इसकी एक ब्रांच है और काफी अलग अलग जगह ब्रांच है। एंड रिसेंटली ये देहरादून में भी ओपन हो चुका है। पैकेजिंग देख लो भाई, बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। इनकी टैग लाइन है, हमारे यहाँ खाएगा दोबारा आएगा। लेट्स फाइंड आउट, क्योंकि प्राइस के हिसाब से तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि इनके यहाँ खाओगे दोबारा आओगे, ना 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 ना, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और हाँ, इन्होंने अपने आइटम्स के नाम भाई बहुत ही ज्यादा अतरंगी रख रखे हैं। चिट्टा बटर चिकन, प्यार से वाइट बटर चिकन। दूसरा आइटम मैंने मंगा रखा है इनके यहाँ से, बाल्टी मीट। इसका प्राइस है 550 या 600 के करीब। ये है भाई 980 समथिंग का, मतलब 1000 मान लो। आई जस्ट होप भाई इनका टेस्ट बढ़िया हो, अदरवाइज मेरा दिल टूटने वाला है बहुत तगड़ा। साथ में आ रखे हैं ये दो आइटम्स, अनियन और मिंट चटनी। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि इन सभी बॉक्सेस के बाहर लेबल्ड हैं। जब आप कभी बल्क में ऑर्डर मंगाते हो तो ये चीज़ भाई बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मैं सागर चाइनीज रेस्टोरेंट से मैंने मोमो भी मंगा रखे हैं। चिट्टा बटर चिकन में मोमो डिप करके खाएंगे भाई, अलग ही स्वाद आ जाएगा। ब्लैक पेपर से मैंने नान भी मंगा रखे हैं, जस्ट इन केस इनका नान मेरे को पसंद नहीं आए तो। नीचे बन रहे हैं घर में अपने जीरा राइस। जैसे ही वो तैयार हो जाएंगे अपन कर देंगे आज का वीडियो स्टार्ट। तब तक मैं प्लेटिंग कर लेता हूँ। गर्मा गर्म और ये निकाल लिए अपने रेड चटनी। सबसे पहले है मेरे पास इनका बाल्टी मीट, जो कि है 900 समथिंग का, 1000 मान के चलो। इसमें तीन ही पीस आए हैं, क्वांटिटी ऑलमोस्ट इतनी है, थोड़ी सी करी और बची है बस। बाकी भाई इस साइड है इनका चिट्टा बटर चिकन, जो कि कई हद तक मुझे अफगानी चिकन की तरह लग रहा है। पता नहीं इसको बटर चिकन का नाम क्यों दिया गया है, थोड़ा सा मेरे साथ धोखा सा हो गया था मेरे को लग रहा है। एनीवेज इसमें चार पीस आ रखे हैं, जिनमें से मैंने तीन पीस यहाँ रख रखे हैं। दिखने में ये भी काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहा है। दोनों ही साइड मैंने रख रखे हैं सागर चाइनीज कॉर्नर के मोमो, साथ में थोड़े से चीज नाचो और मिंट चटनी। एग्जैक्टली सेम भाई इस साइड भी है, थोड़े से मोमो है, चीज नाचो है एंड ढाबे की अपनी मिंट चटनी है। ये रहा ढाबा का एक फुल अनकट बटर नान और इसके नीचे है फुल अनकट गार्लिक नान। एंड यू गाइस नो मी, अगर कुछ ऐसा मेन्यू है तो फिर भाई मैं ब्लैक पेपर का बटर नान जरूर मंगाता हूँ। और ये रहा भाई ब्लैक पेपर का फुल अनकट बटर नान। इसकी शक्ल देख लो भाई, बेहतरीन लग रहा है। ये रहे भाई जीरा राइस, जो कि डैड ने बना रखे हैं घर में। फटाफट से करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट इन चीज नाचो के साथ। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। मोमो ट्राई करें जरा पहले। ये रिंग की लाल चटनी सागर चाइनीज की। भाई ये लोग अफगानी मोमो बहुत बढ़िया बनाते हैं, इंद्रेश के पास है इनका। ये भी बढ़िया भाई। ढाबे का बटर नान, 80 रुपये का बटर नान है। चिट्टा बटर चिकन, प्यार से वाइट बटर चिकन। वाइट बटर चिकन सुन के मैं ऐसा हो गया कि वाइट बटर चिकन क्या होता है भाई। तब मेरा मन किया कि चलो यार मंगा के देखते हैं, लेट्स सी। अब लेट्स सी अफगानी चिकन से अलग है या नहीं। मुझे एक दो बाइट्स और चाहिए होंगे। इसको अपन अफगानी चिकन नहीं बोल सकते, अफगानी चिकन ना थोड़ा सा स्वीट रहता है, मतलब एज कम्पेयर टू दिस। तो नहीं, इसको मैं अफगानी चिकन तो नहीं बोलूँगा।
काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलिंग टेस्ट है, बट इट्स नॉट एज रिच एज अपना अफगानी चिकन. वहीं अगर मैं इनके बटर नान की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा है. आई डोंट नो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं बटर नान से, बट मैं पर्सनली यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई इजीली च्यू हो जाए, गले के नीचे उतर जाए. इनका नान उस मामले में अच्छा है. नाउ लेट्स ट्राई देयर बाल्टी मीट विच इज़ सुपर एक्सपेंसिव. शक्ल देखो, शक्ल तो भाई बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रही है. बाल्टी मटन 1000 रुपीज़. एकदम ऑथेंटिक मटन का टेस्ट है. सॉरी मैं समझा नहीं पा रहा हूँ. ऑब्वियसली मटन है तो मटन का टेस्ट तो आएगा ही, बट पता है मटन में कई बार क्या होता है, मसालों का टेस्ट ओवर पावर करता है, या कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि हम मसाले भयंकर डले हैं. इसमें ना प्रॉपर मटन का टेस्ट आ रहा है बस, और मैं कोई मसालों को फील नहीं कर पा रहा हूँ. अगर हम कुक की बात की जाए कि कैसा कुक हुआ है, तो फिर आप पीस देख लो कितना आराम से निकल रहा है. मटन का कलर बोलो, टेक्सचर बोलो, स्पाइसीनेस बोलो, भाई सब कुछ बेहतरीन हो रहा है. अब पीस देख लेते हैं कैसा गला है. ओह है प्रॉबेबली द बेस्ट मटन आई हैव हैड इन देहरादून. दैट टू व्हेन मैं इतना मटन का शौकीन नहीं हूँ, बट स्टिल इररेजिस्टेबल हो रहा है इसको छोड़ना. ऐसा मटन ग्रेवी में डिप करो बढ़िया करके मोमो को, वेज मोमो है, हल्की सी डालो मिंट चटनी. ओए हाय हाय हाय, लेट्स गो इन फॉर अ नाइस बाइट. ओह वाह, मैं चिट्टा चिकन के साथ भी जरा ट्राई करके देख लेता हूँ इनकी मिंट चटनी. दिखाई दे रही है, इधर दिखाई दे रहा है. इसके साथ बेटर हुआ. ब्लैक पेपर के बटर नान के साथ जरा ट्राई करके देख लेते हैं. भाई लिटरली बता रहा हूँ, अगर आपको सिर्फ ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी है ना कि खाली नान बदल के कितना टेस्ट में अंतर पड़ जाता है, भाई कोई बटर नान मंगा के देखो आप ब्लैक पेपर का. जज्बात पलट दिए भाई, इतना अच्छे से मैंने कभी किसी पीस को अपने आप स्लाइड होते हुए नहीं देखा बुन से, और इतने प्यार से ये नली का सामान निकलते हुए भी नहीं देखा. वट इफ हम ऐसा एक बड़ा सा बाइट बनाएं, दो तीन बाइट्स का मिला के, जिसमें हम ऐसे ग्रेवी लगाएं, मटन का एक पीस रखें, इसमें ज़रा एक मोमो को ऐसे रोल करके इसके ऊपर रखेंगे भाई प्याज. लेट्स गो इन फॉर अ नाइस बिग बाइट. आई डोंट नो कैसे होगा. बेहतरीन. दो तीन दिन में आपको फिर थार भी देखने को मिल जाएगी अपनी. थार तो देखो हो सकता है बहुत लोगों को पसंद आए, हो सकता है बहुत लोगों को बहुत बुरी लगे, बट इट इज़ व्हाट इट इज, चेंज इज नेसेसरी. एक बढ़िया सा बाइट. अब जरा भानुवे को भी बुलाते हैं, जब तक वो यहाँ है तब तक भले ही वो मकबैंग ना करे, बट हम थोड़े बहुत तो उनके थॉट्स ले ही सकते हैं ना, कैसा है कैसा नहीं है चिकन.
भाई यार मतलब कसम खा के कह रहा हूँ, तुझसे बड़ा बेशरम आदमी नहीं देखा। क्यों? एक मोमो ही छोड़ देता। भाई तू बहुत अच्छा आदमी है, मेरे को दिखाने की सॉरी। मोमोज तो ठंडे हो गए हैं मेरे भाई। सागर के मोमो होते बढ़िया हैं। ये नान कौन सा है? ब्लैक पेपर। तेरे को ज़्यादा बढ़िया क्या लगा? चल छोड़, तेरे से नहीं पूछता, पहले खा के देखता हूँ। ये है भाई वाइट बटर चिकन या चिट्टा चिकन? ओए होए भाई वो बढ़िया नहीं? गजब गजब यार, ये मेरे को बहुत टेस्टी लग रहा है, मस्त टेस्टी। टेस्ट तो बहुत गजब है लिटरली। मतलब अगर ब्लैक पेपर का बटर चिकन नहीं मंगाऊंगा तो ये मंगा सकता है। क्या हुआ, आपको मटन नहीं पसंद ना? ऐसा नहीं है, मटन मुझे पसंद है। पूरा पीस है, पूरा ले लो। थोड़ा ज़्यादा नमक लग रहा है, या तो इसलिए क्योंकि मीठा हो रहा है। मेरे में प्रॉपर मटन का टेस्ट आ रहा है, कोई मसाले नहीं, कोई कुछ नहीं। टेस्ट अच्छा है बट मेरे को स्टिल घर का ज़्यादा बेटर लगता है, पर्सनल प्रेफरेंस। और ये भी हो सकता है कि मैंने पहले चिकन टेस्ट कर लिया तो वो बहुत नमक तेज लग रहा है। ये राइफल खाएगा तू? हाँ खा भाई खा, राइफल तो अच्छा होता है। भाई राइस भी खा ले तू, नान खाएगा तो राइस नहीं खा पाएगा। एक गार्लिक नान भी है मेरे पास ब्लैक पेपर का, वो खाओगे? नहीं, चिकन बचेगा तब तक के लिए। ना तो पिछली जगह खाऊंगा। तो खा लो अभी चिकन। क्या चिकन? चिकंदर है तो? हाँ हो गया भाई, मैं वो मैं डाल रहा हूँ अभी। चावल फिनिश कर दे। छोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं छूटेगा तो नहीं है, राइस भी तो खाना है इसके साथ। इसके साथ क्यों खाना है? मटन का इसके साथ क्यों नहीं खा सकता? बड़े हो रहे हैं बहुत। ये देख लो पीस कैसे टूट रहा है। मैं अगर नान अभी खाऊंगा, मैं किसी का खाऊंगा इसके साथ, इसके साथ है ना। मैं बाद में खाऊंगा, तब भी मैं इसके साथ खाऊंगा। अभी तो आप अभी इसको होते होते आप खा सकते हो, क्या पता ये बचे ही ना। तो मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो कंसीडर कर कि एक बंदा है पीछे खाने वाला। ओहो ठीक है भाई, नाउ ऑल अप टू योर लक। ज़रा ये बाल्टी मीट के साथ ट्राई कर देना राइस। जा सकते हो आप? जा रहा हूँ, एक बेड और लेके चले जाता हूँ, कुछ भरोसा नहीं है कि। भाई शर्म करो थोड़ी सी, तूने इतनी मेहनत करी जब बनाने में बाइट। तो सीन ये है कि मटन बहुत बेहतरीन हो रहा है, बट सेम ऐसा मटन आप घर में बना सकते हो, घर में बनता भी है। मेरे घर में हर बार ही ऐसा ही मटन बनता है। मतलब अगर मैं अपने घर में मटन बनाऊं, मतलब डैडी या मम्मी बनाए, मेरे से नहीं बनता इतना टेस्टी। और मैं आपको ये ढाबा इस्टेब्लिश 1986 दिल्ली के रेस्टोरेंट से मटन मंगवाऊं, ये बाल्टी मीट, तो आप डिफरेंस नहीं बता पाओगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। मटन का प्रॉपर टेस्ट है, अच्छे से बना रखा है, बट नथिंग लाइक कि 1000 रुपये के 3 पीस आप खाओ। एक बेहतरीन बड़ा सा पीस मैंने इसमें डाल रखा है, इधर भी देख लो। और ये है भाई मेरा फेवरेट पार्ट, फेवरेट चीज़ मेरी, रोटी के साथ राइस और मटन या चिकन जो भी है। बचपन में ऐसा करने में डांट पड़ती थी कि राइस और रोटी एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए। बच्चे को तो इसके मना करो कि वही करेगा। अब जैसे भानु भाई ने मना कराया कि राइस है इसका, गार्लिक नान की तरफ मत देख, बट जिस चीज़ के लिए मना करोगे अपन, तो बच्चा तो वही करेगा।
शक्ल देखो जरा इसकी, ये देखो आय हाय शक्ल देखो जरा इसकी। ये तो एक्सेप्शनल हो रहा है खाने में। देखो ये पक्का मैसी होगा, ये तोड़ तोड़ के खा लेते हैं। चलो यार आई थिंक दिस इज इट। अब नेक्स्ट मकबैंग में आपको थार देखने को मिलेगी। इतना समझ के चलना कि अगर आपकी डाइट अच्छी है तो ये जो इनकी सिंगल क्वांटिटी है ना, इससे आपका कुछ नहीं होगा। इनके नान भी थोड़ी सी मतलब एवरेज साइज की है, कुछ मैसिव नहीं है, तो इनके नान भी आपको दो तीन लगेंगे। मैंने तो दो इनके नान खा लिए और ये दूसरा ब्लैक पेपर का नान चल रहा है। अभी मेरे को थोड़ा सा पेट में जगह लग रही है, बट कोई बात नहीं। आई जस्ट होप आप लोगों को भी उतना ही मजा आया इस वीडियो को देखने में जितना मुझे इसके खाने को खाने में आया। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। पीस।